हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है मुन्ना। 21 साल जेल और ठुकाए अलग से, और उसी पुलिस वाले नगर में ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। मुन्ना माइकल नाम है मेरा। तीन बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ ढक के घर पे छोड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ है बॉलीवुड का 10 कदम असली भाई सलमान खान, मुझे ऐसा लगा नया था, जो अपने सिकंदर लुक में लग रहे हैं एकदम शाही, जैसे सुल्तान के बाद अब नई जागीर की तलाश में है के लड़के। और दूसरी तरफ बागी का असली बाघ टाइगर श्रॉफ, जो इस बार बागी 4 में इतने खतरनाक अवतार में है कि लगता है कि फिल्म के सेट पर सबको चाकू लेकर भागने की वार्निंग दी होगी, क्योंकि भाई साहब ये बंदा एक दिन एक्टिंग का मोगली बनेगा, लेकिन फिलहाल एक्शन का टार्जन है। अब अगर दोनों के किरदारों की बात करें तो सलमान भाई के सिकंदर की एंट्री में एकदम भारी डायलॉग होगा, मैं सिकंदर हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो मैं लेकर ही छोड़ता हूँ। वहीं टाइगर भाई की एंट्री होगी, चाकू तलवार और एक हाफ फटी बनियान, और उनका डायलॉग होगा, मैं बागी हूँ सिस्टम के खिलाफ, जिसको चाकू चुभी वो बस 2 मिनट में आराम करेगा हमेशा के लिए। देखा जाए तो सलमान भाई की फिल्मों का एक अलग ही स्वैग है, मतलब एक सीन में भाई कैसे घूरते हैं और विलन अपने आप बेहोश हो जाता है। भाई के सिकंदर में तो सिर्फ लुक से ही लगता है कि ये किसी के भी घर और प्लॉट दोनों जब्त कर लेगा, और वहीं टाइगर भाई बागी मतलब पूरी फिल्म एक्शन वर्कआउट वीडियो होती है, फ्लिप किक। कभी कभी एक्टिंग का जुगाड़ भाई साहब, टाइगर की एक्शन की स्पीड इतनी तेज है कि लगता है कि सीन खत्म होने के बाद डायरेक्टर बोलता होगा कैमरा स्लो मोशन में डालो वरना कुछ समझ नहीं है। अब अगर सिकंदर और बागी 4 की फाइट हो तो सीन कुछ ऐसा होगा, सलमान भाई एक शील्ड लेकर खड़े होंगे और बोलेंगे तू क्या कर लेगा, और वहीं टाइगर हाई जंप मार कर शील्ड तोड़ देगा। लेकिन फिर सलमान भाई का एक्सप्रेशन होगा, मेरे फैंस के सामने मुझे कोई नहीं हरा सकता, और टाइगर बोलेगा फैंस तो इंस्टाग्राम पर है, यहाँ सिर्फ चाकू काम करेगा। तो दोस्तों, सिकंदर के शाही स्वैग और बागी के हिंसक देसी एक्शन का मिलन बॉलीवुड में एक नई हिस्ट्री लिखेगा, लेकिन असली मजा तब आएगा जब फिल्म के एंड में पता चले कि विलन तो कोई तीसरा था, अर्जुन कपूर, जो दोनों हीरोज के एक्टिंग करियर को खत्म करने आया था। तो तैयार हो जाइए बॉलीवुड की इस धमाके के लिए, सिकंदर बनाम बागी 4 का मैदान सच में एक्शन से भरा होगा। और हाँ, एक बात तो पक्की है, टिकट के पैसे सिर्फ एक्शन के लिए देना, एक्टिंग के लिए मत देना। ए चुप्पे, बागी 4 वर्सेस सिकंदर एक ऐसी जंग जिसे ना एक्शन डायरेक्टर्स भूलेंगे ना ही ऑडियंस। तो भाई अभी ट्रेलर दोनों मूवीज का नहीं आया है, अभी सिर्फ तर्क की बातें हो रही हैं, जब ट्रेलर आ जाएगा इसके बाद हम पूरा रिव्यू देंगे कि मूवी किस तरह का होने वाला होगा, एक प्रिडिक्ट करेंगे। बाकी पूरा उम्मीद है कि दोनों मूवी भाई तहलका मचाने आएंगे, और कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ और सलमान खान अभी कहीं ना कहीं एक्टिंग में भाई बहुत पीछे जा रहे हैं, तो उनको कमबैक करना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।